जयपुर में सनसनी इस वक्त मची हुई है। ये सबसे अहम खबर, जयपुर में शूटआउट के पीछे की साजिश जो है अब उसका पर्दाफाश भी हो चुका है। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे का खूनी प्लान ये था। बड़ी खबर, दोनों हमलावरों की पहचान कर ली गई है। ये दोनों हमलावर जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया उनकी पहचान हो चुकी है। पहला हमलावर हरियाणा का, दूसरा हमलावर राजस्थान के मकराना का रहने वाला है। मतलब आप समझिए कि हत्या को अंजाम किसी दूसरी जगह दिया गया जबकि उसकी साजिश कहीं और बैठकर रची गई है। दोनों ही हमलावरों की पहचान पुलिस की तरफ से कर दी गई है, लेकिन अगली सफलता तब मिलेगी जब इन दोनों ही हमलावरों को पकड़ा जाएगा। ये देखिए हत्याकांड के बाद कैसे ये दोनों हमलावर स्कूटर से फरार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों की पहचान हो चुकी है। भवानी मेरे सहयोगी जुड़े हुए, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। भवानी, दोनों हमलावरों की पहचान हो चुकी है, लेकिन अभी और क्या पुलिस के हाथ ऐसा कंक्रीट लगा है जिससे हम कह सके कि आगे पुलिस बढ़ रही है? भवानी देखिए, अभी इस वक्त मेरे साथ में कुछ यहाँ के लोग हैं, कॉलोनी के लोग हैं, जिन्होंने जिस वक्त आवाज सुनी थी, जिस वक्त क्या हुआ था उस टाइम आपने क्या देखा था? जब मैं बाहर आई तब बहुत चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और धमाकों की आवाज़ जैसे आवाज़ आई। हमने सोचा पटाखे चल रहे हैं, तो लेकिन पटाखों से बहुत तेज़ आवाज़ थी। तो उसके बाद उनकी वाइफ चिल्लाती हुई बाहर आई कि कोई एम्बुलेंस बुला दो, कोई एम्बुलेंस बुला दो, इस तरह से। लोग भाग रहे थे? नहीं, उनके घर के ही अंदर बाहर हो रहे थे। फिर वो लोग डेड बॉडीज उठा उठा के अपनी गाड़ी में भर के ले गए। और ये लोग आए, ये किसी ने देखा गाड़ी के अंदर आए थे? नहीं, ये हम लोगों ने नहीं देखा। पैदल वापस भागे थे? भागे तो कुछ लोगों ने बोला, कोई भागा कोई भागा, बट देखा नहीं एग्जैक्टली, किसी को नहीं देखा भागते हुए। आप बता रहे थे कि उनका डॉग एक दिन से पहले से, हाँ बोलते हैं जैसे कि डॉग को कोई इंट्यूशन होता है, तो वो डॉग बहुत रो रहा था दो दिन से और मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपनी मेड को भी बोला, आप पता नहीं ये क्या होने वाला है जो ये इतना ज़्यादा रो रहा है। तो बहुत तेज़ तेज़ वो चिल्ला रहा था डॉग, उन्हीं का डॉग। फिर वो जैसे ही खून खराब हुआ ना, तो वो डॉग दीवार पे चढ़ गया हमारी, और वो बहुत डरा हुआ था। तो घर में कोई और नहीं था, एक सर्वेंट बचा था उनका और एक डॉग था। तो आप देखिए कि यहाँ जो कॉलोनी वाले हैं, आप यहाँ पर एक सीसीटीवी, इस यहाँ पर ये काफ़ी पॉश लोकेशन है और यहाँ पर काफ़ी मॉनिटरिंग होती है, मॉनिटरिंग इस यहीं पर होती है। और आप बताएं सर, आप बता रहे थे कि पहले आपने देखा था कि कुछ आपके कैमरे के अंदर कुछ लोग रेकी कर रहे थे। मैं वो गार्ड वगैरह आते ना मेड से, तो सिर्फ क्या चाबी खोल करके मैं तो कमरा खोल देता हूँ, और कमरा खोल करके उनको बोल देता हूँ चेक कर ले, उनको मेरा यहाँ का पासवर्ड बता देता हूँ, तो वो यहाँ बैठ करके चेक करते हैं। उसमें क्या कोई उसमें उन लोगों ने बताया था कि एक सफ़ेद रंग की वैन आई हुई है, तो काफ़ी देर तक यहाँ पे खड़ी हुई थी, उनमें से कोई निकल रहा है, कर रहा है, देख रहे कर रहे हैं, तो बस वो उन लोगों ने ही देखा था जी। तो ये रेकी, इसका मतलब है कि हत्या से पहले रेकी उन्होंने की थी, हत्या के पहले रेकी की गई थी, और तभी हौसले इतने बुलंद थे उनके। लेकिन ये जो दोनों हमलावर जिनकी पहचान हो चुकी है, वो भागे कैसे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद, वो भागे कैसे, ये भी हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में आपको दिखा रही हूं। ये देखिए दोनों हमलावर इधर से भाग करके आते हैं, ये पैर आप देख पाएंगे इन दोनों हमलावरों के। फिर वहां पर एक गाड़ी वाले को रोकने की कोशिश, ये गाड़ी वाला भाग गया, रुका नहीं गाड़ी वाला, फिर पीछे से एक स्कूटर वाला आया, उसे रोका, स्कूटर वाले को उतारा, और फिर उतारकर उसी स्कूटर पर दोनों बैठकर और फिर यहां से फरार हो गए। पहले गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, ये दरअसल छीनने की कोशिश थी गाड़ी को, गाड़ी वाला रुका नहीं, उसने दौड़ा दी गाड़ी। फिर आप देखिए वो स्कूटर सवार वहीं बैठा हुआ है, वो सड़क पर आप देखिए स्कूटर सवार बैठा है, उसको उतार दिया, जाहिर सी बात है बंदूक इनके पास थी ही, उसी के दम पर इन्होंने उतारा। ये फिर से आप देखिए ये भाग कर पहुंचे, गाड़ी वाले को रोका, गाड़ी वाले ने दौड़ा दी, देखिए कार अपनी दौड़ा दी, फिर वो पीछे जो स्कूटर वाला आया उसे रोक लिया और उतार कर उसी स्कूटर पर बैठकर ये दोनों फरार हो गए। अब ये जो दोनों आरोपी जिनकी तस्वीर अभी आपने देखी है, कौन है ये भी आपको बता देते हैं। दो आरोपी स्कूटर पर बैठे हुए सबने देखा है। पहला आरोपी पुलिस ये कह रही है नितिन फौजी है, जो कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ का निवासी है। अब दूसरा आरोपी राजस्थान का ही है, रोहित राठौड़ उसका नाम है, मकराना का ये निवासी है। इन दोनों की पहचान हो चुकी है, अब कुंडली खंगालने की कोशिश पुलिस जरूर कर रही होगी। इनकी गिरफ्तारी कब होती है, बस यही राजपूत समाज के लोग इस वक्त मांग कर रहे हैं।